एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ एबीवीपी है आंदोलनरत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपने ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर यथाशीघ्र गरीब छात्रों की सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को पुनः जारी करने की मांग की। एबीवीपी के छात्रों ने महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में महाविद्यालय के बाहर सरकार और आयुक्तालय के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन करेंगे। आज हमने विद्यार्थी परिषद की GC इकाई द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलती है 5,000 रुपये, उसको बंद कर दिया है। इसके विरोध में आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। यह हस्ताक्षर अभियान 2 दिवस GC कैंपस में चलेगा और सभी विद्यार्थियों को इसे जोड़ने का प्रयास रहेगा हमारा। और हस्ताक्षर हम सरकार से जो प्रमोट किया उन्होंने निर्णय लिया, उस पर सही से होमवर्क नहीं किया और अब ये बहाना बना कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, हम उसका मापदंड तय नहीं कर पा रहे छात्रवृत्ति का, इसका बहाना बना के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक लिए, जो सरासर गलत है और विद्यार्थी छात्रहितों के लिए अन्याय है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगी और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को चाहे कुछ भी हो दिलवा के रहेगी और इसके लिए लगातार निरंतर योजनाबद्ध तरीके से अपने धरने, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान जैसे कार्यक्रम चला के और बड़े स्तर पे उसके बाद सारे हस्ताक्षर करवा के बच्चों कलेक्टर पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज से कॉलेज में 2 दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद जिला कलेक्टर को कॉलेज आयुक्तालय और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंप कर छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग की जाएगी। यदि छात्र हित की मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो पूरे प्रदेश में एबीवीपी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई और परीक्षा के सरकार ने अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति को भी रोक दिया, जिससे छात्र संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने GCA कैंपस के बाहर छात्रवृत्ति को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। सरकार ने इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें छात्रों को फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी के छात्रों को प्रमोट कर दिया है और अब यही इशू बनाया जा रहा है कि आपको तो प्रमोट कर दिया, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।